चित्तौड़गढ़, राजस्थान का मस्तक, महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्ना धाई के बलिदान, रानी पद्मिनी के सौंदर्य और मीराबाई की भक्ति ने चित्तौड़ को इतिहास की किताबों और हमारे जनमानस में एक अमिट छाप दी है। आज के परिवेश में एक और नई पहल एक नया इतिहास रच रही है। ये पहल है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत सतत शिक्षा के नए आयाम तलाशने की। कबूतर बोले मंगरे बोले मोरियो, वागा में कोयलिया बोले प्यारी लागे रे, ओ गावा गावा में हारे गावा गावा में, आपना मंगरा में बाया दावड़िया गणी मिले रे, अपना मंगरा में बाया चित्तौड़ से 125 किलोमीटर दूर कांठल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध उपखंड प्रतापगढ़। कांठल माने कंटीले वनों का प्रदेश। सीता माता वन अभयारण्य से जुड़ा ये आदिवासी बहुल इलाका लगभग वृक्ष विहीन है। अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और कृषि वर्षा पर। मक्का, अफीम, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, दालें और तिलहन, जब बारिश हो तो सब कुछ उगता है, लेकिन जमीन कम है और टुकड़ों में बंटी हुई। ऐसे में ज्यादातर लोग तेंदू, सफेद मूसली और महुआ के फूल जैसे लघु वन उत्पाद पर निर्भर हैं। पठारू जमीन पर पानी के साधन दूर भी हैं और कम भी। गृहस्थी के साथ ये बोझ भी औरतों के मजबूत कंधों पर है। यहां की मीना जनजाति पुराने तौर तरीकों की बेड़ियां अभी तोड़ नहीं पाई है। ज्यादातर औरतें घूंघट की कैद में हैं और मर्द अपनी सोच की। हां, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए उम्मीद की किरण है जो शिक्षा से वंचित रह गए। 15 से 35 वर्ष के स्त्री पुरुषों को सतत शिक्षा अभियान से जोड़ने की हर कोशिश इस उम्मीद को जिंदा रखती है। खेतुराम जी है? खेतुराम जी हाँ। बाहर आओ, थोड़ी बात करनी है। कई बात है। अपने नानी ने बनवा मिलो इस केंद्र पे। केंद्र पे मर्द नहीं मिलनी, बनवा नहीं मिलनी तो थोड़ा होशो। अबे तो सूर्य पहला तीसरी बनाई ली थी सोरी, तो आगे पासरी परीसा भी देवाड़ा मा केंद्र मेरी भी देवाड़ो, पर मारद नहीं मिलनी, मारद नहीं हो जरी। अबे अबे सरकार ने गणो व्यवस्था कर मिले, शिविर सिलाई रही है ने कई भी व्यवस्था कर रही है। शिविर सिलाई रही है? हां, सिलाई रो शिविर सिलाई रही है, खुद सिलाई मशीन ने ही की है ने कई भी धंधो खोल के ने कई धंधो खोल ले, मारद कई धंधो कराणो ने कई कराणो मारद। जाओ रे बेनो। खेतुराम ने अपनी बेटी जुमा का स्कूल छोड़वाकर बेहतर जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिया। आज सतत शिक्षा केंद्र ने बेटी को समतुल्यता कार्यक्रम के अंतर्गत एक दूसरा मौका देने की पहल की तो फिर एक बाप दीवार बनकर सामने खड़ा था। दादा मने भी बनवा मेलो, मैं भी बनवा जाऊं। ने जाऊं बनवा रे, जा बोगड़ा सार ने काम कर, बढ़िया जी देखा काम कर बड़ी सार बोगड़ा गेर ने डूबे पानी पा ने जाऊ बनवा। मेरी सहेली भी केंद्र जा रही, मुझे भी जाना है। सहेली भी केंद्र जा रही, थार भी जाना है। मना करिए सोरी, मु तो एक काम के बारे में सोरी, तू स्कूल से जाऊ के दो दिन डबर डब जागी तू।
किताब ने सही से मारे कलम ने सही से मारे रुपया नो सो आई माने तू बनवा दे आई माने तू बनवा दे। जुमा तो ना आई मगर समय के साथ कई नए चेहरे घर और घूंघट की दहलीज लांग शिक्षा के काफिले से जुड़े। जो पढ़ गए उन्होंने दूसरों का हाथ थामा। बादल ब द ल ब बा बाबा ब द ल ब बाबा द दादा दब बाद हर सतत शिक्षा केंद्र में एक वाचनालय और पुस्तकालय का प्रावधान है। इससे साक्षर समाज की परिकल्पना को यथार्थ का धरातल मिलता है। जलकारी को शिवाजी व महाराणा प्रताप की कहानियाँ बहुत पसंद थी। वह हट्टी और जिद्दी स्वभाव की हो गई। कभी कभी पिता के पणवानी मारे उमर नाती पणवानी मारे उमर नाती आई माने तू बनवा दे आई माने तू बनवा दे। पट्टी ने साइजे मारे बस्तो ने साइजे साइजे मारे रुपया नो सोक आई माने तू बनवा दे आई माने। देश के अन्य प्रांतों की तरह यहाँ भी मलेरिया का आतंक है। खेतूराम के घर भी मलेरिया ने दस्तक दी। नजदीक का अस्पताल 30 किलोमीटर दूर था। हार कर उसने सतत शिक्षा केंद्र के प्रेरक से मदद मांगी। धीरज ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जरिए मलेरिया लिंक वर्कर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये बुखार है ना, बुखार है ना, कीटाणु की जांच वेगा आगे जांच वेगा। हां, बड़ी अस्पताल में जांच वेगा, इसके कीटाणु की जांच वेगा। मलेरिया बुखार है कई कई नानारो जांच वेगा, उन्हें रूप इलाज कराऊंगा। बस बाद में इलाज वेगा। हां, थोड़ी भी ठीक है तो माता पे थोड़ा गीलो कपड़ा रख जोंडे। गीलो कपड़ा ना का पा सो घर मंगाड़ो बारिश हीरो पानी आलो चित्र करे। वाह ठीक है, मैं 3 दिन में आऊं। वाह जी, श्री राम जी, श्री राम जी। अब फसा आ जाओ एकदम। हां, मैं वाट देके ना। ठीक है। सतत शिक्षा केंद्र वह खिड़की है जो कई दरवाजे खोलती है, जहां प्रशिक्षित प्रेरक ग्रामीण स्वास्थ्य और समाज कल्याण के तंत्र को मजबूत करते हैं। वहीं केंद्र सरकार की कई योजनाओं का सूत्र भी यहां से मिलता है। चित्तौड़ के अनुपुरा गांव में ये सतत शिक्षा केंद्र की अपनी इमारत है। यहां के प्रेरक की लगन और उत्साह ने गांव वालों को तो साथ जोड़ा ही, यहां के स्थानीय विधायक को भी प्रभावित किया। उन्होंने इमारत बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई और ग्राम पंचायत ने जमीन। शायद इसी उत्साह का नतीजा है कि अनुपुरा के लगभग 1500 निवासियों में आज केवल 80 अनपढ़ बचे हैं। आज अनुपुरा वासी इस केंद्र को अपने गांव की शान मानते हैं। यहां के वाचनालय की पुस्तकें जहां ज्ञानवर्धन करती हैं, वहीं पोस्टर सामाजिक कुरीतियों के प्रति जनमानस में चेतना जागृत करते हैं।
पधारो बाबा राम 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 आओ आया किसान आनो भी आज टे देखो आज बगाम ने दे गया जी आपका मुंडा आगे अरदास करवा के ले आया भीम से चालू पेंशन चालू करनी है हां अबे बुड्ढा वे गया जो हां तो आपने घर कोई कमावा वालो कौन है आपने छोरा छापरा कोई ने जगह जमीन भी कौन है आपने कोई ने बोले खातो देख लो एक फूटो घर है आपनो नाम कहिए थाको मारो नाम नोजी नोजी भाई नोजी भाई हां आपने पति को नाम बताओ घर वालों को नाम कहिए अरे गन गांदारी का नाम बताओ बताओ जी। बुजुर्गों को दूर जिला मुख्यालय ना जाना पड़े इसलिए हर सतत शिक्षा केंद्र पर कई सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र रखे गए हैं पहली थाने कोई पेंशन तो न मिले कसी पेंशन न मिले ठीक है वो अब मैं था को यो फार्म भर गई थी पेंशन को इन्हें मु आगे उठो चित्तौड़ आपने जमा करवा देवा अंता के पेंशन चालू वे जाई अंता ने सूचना दे दे वा बस वा राम 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 वा हां अरे और ही कई काम है ते आज जो पाचा सतत शिक्षा केंद्र के जरिए समय समय पर पशुधन के रखरखाव और चारा प्रबंधन जैसे विषयों पर वार्ताएं आयोजित की जाती हैं आज अनुपुरा में पशुपालन विभाग के साथ मिलकर यूरिया उपचारित चारे को तैयार करने की विधि और उसके फायदे पर वार्ता है तो ये 30 ग्राम यूरिया हमने ये 4 किलो पानी में डाल दिया है इसको ये अंदर एक अमोनिया गैस बनेगी इस यूरिया को जो पानी में घोल करके इस फाकले के अंदर मिला दिया तो इसके अंदर से अमोनिया गैस निकलेगी जो उस अमोनिया गैस को इस चारे के साथ रोके रखना है वो रोकनी इसके साथ बहुत जरूरी है क्योंकि वो जहां अनुपुरा में अर्थव्यवस्था का आधार है पशुधन वहीं पुठौली के ज्यादातर ग्रामवासी नजदीक की फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं कुछ महिलाएं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं मगर जीविका कमाने के लिए हुनरमंद नहीं इनकी चुस्त उंगलियों को लय और ताल मिली सतत शिक्षा केंद्र में एक नई पहल के तहत साक्षरता मिशन ने कुछ स्थानीय उद्योगों को साथ जोड़ा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी के तहत हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सतत शिक्षा केंद्रों के लिए कंप्यूटर दिए इसके अलावा उन्होंने कुछ गांवों को साक्षर बनाने के लिए अपनाया लेकिन गांव की इकाई खंड की दहाई और जिले का सैकड़ा साक्षरता की इस दौड़ में आगे तभी निकल सकता है जब जिला प्रशासन अपना दायित्व ठीक से समझे और सभी विभागों को साथ लेकर चले तभी भारत सरकार की तमाम योजनाओं का अभिसरण या कन्वर्जेंस संभव है सात रंगों की रोशनी जब मिलती है तभी दूधिया उजाला होता है तभी टूटती हैं तम की बेड़ियां शिक्षा केंद्र पर आंखों की जांच होगी सुबह 8 बजे जिनको भी आंखों की जांच करानी है
वो सुबह 8 बजे सतत शिक्षा केंद्र पर पधारे। कौन से आंख में कम दिखता है? नहीं देखा है। दोया में कम देखा है। इधर देखो मां साहब, और अबे देख रही चूड़ी, देख रही है? अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 61 साल होगा। आपरी आकरा चश्मा रा नंबर लिखी लीधा है मैं, 15 दिन बाद चश्मा उड़ी ने आ जाएगा आपरो, 25 दे दांगा आपने, ठीक है? वंती बढ़िया दिखागा आपने। अरे खेतुराम जी आओ अंदर, यहाँ आखरी जांच हो रही है थोड़ी। अरे मुझे वैसा लग गया यूं से घूम तो आओ, आपरे भी आखरी जांच कराई लाओ। अरे भाई जांच करा दियो। हां लाओ, कई जांच कराओ, ठीक है ने? हमने लोकसभा आए करावा जांच। चलो बस आओ, ये डॉक्टर साहब खेतुराम जी इनकी भी आंखें जांच कर दो, थोड़ी कम दिखता है। क्या तकलीफ है बाबा साहब? आंखें कम हो जाए। आपरे चश्मा का नंबर निकाल दा। हां ठीक है। अच्छा ये पकड़ो हाथ में, ये देखना है आपने। कितनी उम्र है आपरी? उम्र तो मुझे पता नहीं है, उम्र तो क्या की पढ़ लेनी उम्र। हां अबे देखो, अबे बढ़िया साफ नजर आ रही, साफ नजर आ रही, अबे कम नजर आ रहा, अबे कम नजर आ रही, अबे साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रही। हां ये नंबर वही गया आपरे। हां ये चश्मा बन जाएगा जो बनवा में काम आएगा, पारो। हां पारो हो देखा, ठीक है? ठीक है, आपरी आखरी जांच वही गई है। अगर जांच हुई गई, हां चलो अबे, अबे चलेंगे बस, चश्मा मिल जाएगा आपने। मिल जाए? हां कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन घना लेट भेजे ने, मार काले परसों आ जाए। आपने जो आंखें की जांच कराई अटे वणा का चश्मा आया है, आज वणा ने बांटी रिया। पांचिया भेरा रामा विलिया पांचिया भेरा चश्मा मलेरिया फायदा वेगा नहीं देखेगा बढ़िया। खेतुराम जी मंगला जी जिन लोगों को चश्मे दिए हैं वो इसको सार संभाल ढंग से संभाल के रखे हैं और इसको लगाएं जरूर, ठीक है भैया? औरतों के लिए पढ़ाई का क्या फायदा और आपको नजर आया या और कोई ट्रेनिंग कुछ ऐसी चीज हुई उसका कुछ बताओ? औरतों पढ़ने से तो कुछ फायदा ही हुआ सर, कुछ साफ सफाई से कई लोग पढ़ने से गए, बच्चों के ऊपर भी पड़ा पड़ता है, वो भी बच्चों स्कूल भेजते हैं। 8वीं स्कूल गाँव में बती और पढ़ाई करती सब डर लगती पहले ज्यादा, मारे पिताजी यूँ कह गया बेटा तो एकली कटे जाएगा यूँ तो सब लड़का है तो कटे बनवा जाएगा यूँ करें, बस ज्यादा पढ़ाई करा भी नहीं साहब, मेरे दिमाग में और पढ़ाई करती हूँ मैं। आपको पढ़ाई करने से क्या फायदा मिला? आंगनवाड़ी में जुड़ की साहब ने पढ़ाई करवा में नरो फर्क पड़े, वो तो आप दुकान मत जाने खरे हांगली वातावरण बैठक में लुगाया हम जावनो
अच्छो रहे थोड़ो यूँ गांव के लुगाया को भी विकास वे बात टीका लगाड़ो यूँ हर बातें लुगाया एक टिकरे बात के अपने सतत शिक्षा केंद्र पे औरतों की पढ़ाई जो अनपढ़ लोगों की पढ़ाई और टीवी और खेलकूद के सामान के अलावा आप लोग क्या महसूस करते हो ये चीज़ हो तो समाज के लिए फायदेमंद होगा सबके लिए फायदेमंद होगा। जिसमें हारमोनी ढोलक मजीरा ताल ये साधन होने से मतलब और फायदा हो जाए। क्या फायदा होगा? मनोरंजन पढ़ाई में भी थोड़ा रुचि बनेगी रुचि बनेगा आगे लोगों का ध्यान आकर्षित रहेगा। ये सब हमारे घर पति पांच पांच रोकड़ा लगाना मैं फिलहाल मोटा करा हुआ दरकस को। अच्छा तो गर्मी घनी पड़ी रही इसलिए पांच पांच पौधा में केंद्र से मैं लगा खुद मोटा पानी में पिलाऊ मोटा करना आपको बता लेंगे। तो अपने केंद्र पर पांच पांच रुकड़ा सब ने लगा वारू लाइन वाटा तो सब जना पानी पिलाओगा रक्षा करोगा वना की सब तैयार है अपने अपने खेतों पे लगा सकते हैं हम मेहनत कर सकते हैं। पांच क्या सर दस खड़े करके बताएंगे आपको बड़े करके ये आप मेरा वादा आपसे। अरे वाह क्या बात है निभाना पड़ेगा वादा। निभाएंगे बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं बड़े करके। ठीक बात है। जयराम जी की जय राम। देखो आपने सतत शिक्षा केंद्र पे बनवा की पढ़ाई करवा की वाता के साथ साथ अलग अलग महकमा की जानकारी ले वो भी आपकी आज की जरूरत है कि नहीं है। तो आज आपने बीच में जिला का मंडल वन अधिकारी जो प्रतापगढ़ का DFO साहब है वह पधारे तका है वह जंगल की जरूरत पर आपको बातचीत करेगा और आपने कई कई बात बताएगा अटा की योजना के बारे में बताएगा। तो और जो भी आप अनाऊ बात कर सको और ये केवे जो आप कर सका जो आपने फायदा में वे वो काम आप करेगा। ठीक है तो मैं DFO साहब हूँ निवेदन करूँ कि आप काम वाले ने अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि तापमान काफ़ी बढ़ गया काफ़ी गर्मी बढ़ गई जो आपको लग रहा है पिछले साल से काफ़ी बढ़ गई गर्मी। तो आपने कभी सोचा कि गर्मी बढ़ी क्यों है इतना तापमान क्यों बढ़ रहा है? ये हमारे जो हमने जितनी विदोहन किया पूरे जंगलों का पूरी सृष्टि का पूरे रिसोर्सेज का वो एक सबसे बड़ा कारण है। पहले कुएं का पानी आपका कुएं का पानी कितना ऊपर होता था आज कितना नीचे चला गया है। भूमिगत जल स्तर नीचे जा चुका है क्योंकि हमारी जो पेड़ थे जो पानी को रोकते थे वो सारे के सारे पेड़ खत्म हो गए। मात्र बच्चा पैदा करने से ही माँ बाप का दायित्व तो पैदा नहीं हो जाता है। माता पिता की वो पूरा खत्म नहीं जाती कि बच्चा पैदा कर दिया हम भूल जाएं। बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है पढ़ाना लिखाना पड़ता है। उसी तरह आप पौधा लगाओगे उसका पालन पोषण करोगे उसको बड़ा करोगे तब जाके आपका दायित्व तो पूरा होगा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आज से आप जो भी पौधा लगाओगे कोई प्लांटेशन तैयार करोगे उसकी सुरक्षा भी आप स्वयं करोगे। कोई नष्ट करता उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वन विभाग को कहोगे या पुलिस डिपार्टमेंट कहोगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ आपने मेरी बात सुनी धन्यवाद जय हिंद। कि एक मटके में एक सूतड़ी या रस्सी लगाई जाती है फिर मटके को पौधे के समीप जहाँ पर पौधा रोपण करते हैं उसके नज़दीक रख दिया जाता है और सूतड़ी इस पौधे के नीचे रखी जाती है ताकि जैसे मटके में पानी डालेंगे उसका पानी पौधा अपने आप चूसेगा कैपिलरी एक्शन से। दिवाली दा है पण हैंडपंप फुकारी है पानी कितरे पिलावाने। अच्छा बिल्कुल पानी नहीं आई पानी नहीं। अच्छा माने केंद्र पे कई वैसे हैंडपंप रो सामान पड़ियो ले लेवाना ने अब आने तुरंत ठीक करवाना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की नवाचारी पहलों ने
शिक्षा को नए मायने दिए हैं। आज सतत शिक्षा केंद्र से प्रशिक्षित नवयुवक अपने परिवेश में अपना रोजगार तलाश लेते हैं, उन्हें काम मिल जाता है और गांव वालों को कुशल कारीगर। कहीं बीज डलेगा, कोई उसे सींचेगा, तो एक ना एक दिन अंकुर जरूर फूटेगा। अंकुर फूटेगा, जरूरत है इस विश्वास की। फिर रुको रुको कटे जरिए था पढ़वा जरिए मारा जुम्मा ने लेते जो ए जुम्मा का बेटा तू तो हंसी बात करती नहीं पहली बनवा जो मु गलत बोलता हूँ। अबे मार दिमाग में आएगी बेटा तू बनवा जा वा बेटा बनवा जा